जनाधार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव राजेश हजारी, राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। आगामी नगर निगम के चुनाव को लेकर भी जनाधार नेशनल पार्टी द्वारा 85 वार्डों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े करेंगे। जनाधार नेशनल पार्टी के नेताओं द्वारा बताया गया कि उपचुनाव में जनाधार पार्टी में विजयी प्राप्त करेगी। वही प्रदेश नहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी जनाधार नेशनल पार्टी द्वारा लगातार ही देश के विकास के कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम के लिए जनाधार नेशनल पार्टी 85 वार्डों में उतारने जा रही है अपने कैंडिडेटों को, महिलाओं को, युवाओं को। उन्हीं कैंडिडेटों को अपने वार्ड से चुनाएगी और वहीं पर उन कैंडिडेटों को चयन करके उनको वहीं पर चुनाव लड़ाएगी। क्या एजेंडे क्या रहेंगे इस बार? एजेंडे नगर निगम के जो है साफ सफाई के एजेंडे हैं, स्वास्थ्य के एजेंडे हैं, उन्हीं एजेंडे पे लेके और रोजगार का एजेंडे हैं जो आज देखने को शहर में मिल रहा है कि नगर निगम कितनी भ्रष्ट हो गई है, कि ठेले वालों को मार रही है, पीट रही है, इनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हमारा पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सर्वे किया, वहाँ पर ये देखने को मिला कि कहीं पर रोड नहीं है, पानी की समस्या जा रही है, गंदा पानी मिल रहा है, ड्रेनेज चौक पड़ी हुई है और इतना भ्रष्ट प्रशासन है नगर निगम का कि गरीब जनता के ठेलों को उल्टा कर रही है, उनको मार रही है, उनको पीट रही है, टोटल गुंडागर्दी कर रही है। तो ये अब नहीं चलने वाली है। हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और नगर निगम में अपने प्रत्याशी को उतार कर नगर परिषद बनाएंगे। आपका नाम? प्रताप सिंह तोमर, जनाधार नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष। चुने और क्या एजेंडे थे आप जीत पाएंगे और क्या सेवा कर पाएंगे जनता की, क्योंकि जितनी भी अभी तक पार्टियां आएगा एजेंडा? देखिए, जनाधार नेशनल पार्टी जो है ना वो महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो कार्य कर रही है। और अभी आप जिस तरह से सारे राजनीतिक उठापटक आप देख रहे हैं, जिसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनका जो एक एजेंडा है वो है कि केवल सत्ताएं गिराना और सत्ताएं बनाना। ठीक है, सारी पब्लिक जो है वो इन सब चीज़ों से, क्या होता है कि पब्लिक जब वोट करती है तो वो एक अपने जो है वो विचार और उनके जो परेशानियां होती हैं क्षेत्रों की, उनको लेके जो है ना वो कोशिश करती है कि भाई हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वो हमारी समस्याओं और परेशानियों को जो है दूर करेगा। लेकिन एक समय आता है कि पता चलता है कि वो सारे वादे और सारी चीज़ें जो है ना वो अधूरी रह गई और उस क्षेत्र से जिस प्रतिनिधि को उन्होंने चुना था वो जाके जो है ना वो किसी और पार्टी में जाके बैठ गया और सारी चीज़ें जो है ना उसने वहीं छोड़ दी। और जनता जो है वो इसमें अपने आप को जो है ना वो ठगी महसूस करती है, परेशान महसूस करती है और उसके पास जो है ना वो कोई विकल्प नहीं होता है कि वो किस प्रतिनिधि को चुने जिससे वो हमारे क्षेत्र की हमारी समस्याओं को दूर कर सके। और हमारी पार्टी जनाधार नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी बनना चाह रही है जो इस तरह की गतिविधियों से जो है वो सभी तरह से दूर रहे और एक युवा नेतृत्व देश को और प्रदेश को प्रदान कर सके। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, जिन सिद्धांतों पे वो काम करती है। कांग्रेस पार्टी पिछले 15 महीनों से जब शासन में रही, तब शासन में उसने बहुत वादे किए जनता से, लोन माफ़ के किए, किसानों के कर्ज माफ़ी की, बिजली की, बहुत सारे रोजगार की बात करी, मगर ये सारे वादे जो है वो उसके खोखले साबित हुए। कोरोना काल में भी जो है वो केवल राजनीतिक समीकरण बिठाने में जो है वो ये पार्टियां लगी रहीं और अंततः जो है वो कोरोना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैल गया, सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और आज भी लगातार फैल रहा है। इनके लॉकडाउन करने पर भी जो है वो इनकी स्थिति वही बनी कि कोरोना जो है अपनी गति से काम कर रहा है, ना तो इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, ना लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। इसके बाद में जो है जब सौराज सरकार आई, शिवराज सरकार ने भी वही काम किया कि फिर वही खरीद फरोख्त स्टार्ट करके वही भ्रष्टाचार जो है वापस से प्रारंभ किया, वही महिलाओं को जो है वो असुरक्षा की भावना है, चेन स्नेचिंग के काम हो रहे हैं, महिलाओं के जो है वो यौन उत्पीड़न के काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूटमारी मची हुई है। तो किस तरीके से गृह मंत्रालय काम कर रहा है, किस तरीके से जो है वो प्रशासन काम कर रहा है, इस पे जो है वो सरकारों का कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, ना शिक्षा को लेके कोई कंट्रोल है, ना स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर कंट्रोल है, ना जो है किसी रोजगार को लेकर कंट्रोल है, केवल झूठे वादे हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारी सुविधाएं जो है वो बंद कर रखी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो अपने निचले स्तर पर पहुँच चुकी हैं। अब जनता इस चीज़ के लिए परेशान है कि उसको कोई ना कोई तीसरा विकल्प चाहिए, जिस विकल्प पर वो ये चुनाव कर सके कि मैं अपने जनप्रतिनिधि हमारा ऐसा हो जो हमारी बात जो है प्रशासन तक पहुँचाए, प्रशासन की सुविधाएँ उस तक पहुँचे और उसके विकास की कोई योजनाएं तैयार हो। आपकी पार्टी की प्राथमिकता ही क्या रहेगी प्रदेश को लेकर? प्राथमिकता जो है वो हमारी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके है और हर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध साधनों के आधार पर वहाँ का जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार करके विकास की योजनाएं तैयार करना है, जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर और प्रशासनिक सहायता के आधार पर वहाँ की योजनाओं को जो है वो अंजाम दिया जाएगा। जो हमारा जनप्रतिनिधि रहेगा उस जनप्रतिनिधि के साथ में हमारे जो है वो 10 कोर मेंबर और रहेंगे जो इस बात का डिसीजन लेंगे कि उस क्षेत्र में विकास की क्या योजनाएं होना चाहिए और किस प्रकार से जो है उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए।